चैनल HG गेमिंग, जिसमें मैंने पहले इंट्रो में बताया था कि मैं इसमें सारे गेम मोस्टली गेम कोशिश करूँगा खेलने की। और हाँ, उसकी सीरीज भी आती रहेगी और जो उसमें अच्छा रैंक हो, जैसे कि ये मिशन है, इन सब मिशन में गोल्ड रैंक आता है सबसे अच्छा, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, तो उसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि मोस्टली गोल्ड इसमें अच्छा है तो गोल्ड ही लाने की, और कईयों में प्लैटिनम होता है, डायमंड वाला, ये सब। तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस गेम का नाम है स्पेस एजेंसी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैरियर से शुरू करते हैं, यहीं पे मिशन है। तो पहला मिशन है सैटेलाइट लॉन्च। ओके, तो इसमें ब्रीफिंग में बता दिया गया पहले से ही, तो मैं एक बार हिंदी में बता दे रहा हूँ, जिनको इंग्लिश आती है वो तो पढ़ ही लेंगे। तो पहला है कि इसमें सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च करनी है ऑर्बिट में अर्थ के, फिर उसके बाद जो उसका डिश होता है, जो आगे का पार्ट होता है, वो जो हो अर्थ की तरफ घुमा होना चाहिए, और फिर सैटेलाइट को रिलीज कर देना है। बजट है 8 तक और टाइम इतना है। ठीक है, तो गोल्ड लाने के लिए कॉस्ट दिया हुआ है इससे कम या इक्वल होना चाहिए, और टाइमिंग और चेक पॉइंट कोई भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो व्हीकल में जाके बोल्ड करना है। तो जैसा मैं रॉकेट यूज़ करूँगा, जैसे बनाऊँगा, वैसे आप लोग बनाइएगा। मरकरी का फर्स्ट स्टेज, फिर कनेक्टिंग टू स्मॉल, फिर उसके बाद ये टग मॉड्यूल के बाद पेलोड्स में जाके जो एंटीना है, मतलब सेटेलाइट वो, और फिर इसका फेयरिंग, फेयरिंग एरो नहीं लगेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फेयरिंग, और फिर लॉन्च। फिर लॉन्च से पहले कोस्ट ऊपर देख लीजिए, उतना ही है और बजट तो बचा हुआ है। फिर लॉन्च टाइम पे क्लिक करने से 15 सेकंड जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। और फिर उसके बाद रॉकेट को लॉन्च, तो लॉन्च करते हुए एक बार और बताना चाहूँगा कि इस गेम में सिर्फ और स्मॉल जो छोटे छोटे मिशन होता है उसके लिए नहीं है, लेकिन बड़े मिशन के लिए है। अगर आपको रॉकेट का फ्यूल बचाना हो, तो आप जैसे कॉन्टिन्यूसली दबाए रहेंगे तो उसका फ्यूल देखिए वो जल्दी जल्दी घट रहा है, और अभी हाइट भी तो नीचे ही है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ छोड़ के दबाएंगे तो फ्यूल भी बचेगा और इसका स्पीड भी बढ़ता रहेगा। ये वाला पार्ट था कट करने के लिए, प्रीवियस पार्ट, जो भी रॉकेट का पिछला पार्ट होता है वो सब। ओके, तो हम लोग ऑर्बिट में आ गए हैं, तो फेयरिंग को पहले ओपन करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो पिछला पार्ट है, फिर ये वाला बटन दबाएंगे तो ये अर्थ के तरफ रोटेट होगा। आपको बटन भी समझना पड़ेगा, आगे मिशन में दिक्कत होती है। और फिर सही जगह पे, और अर्थ की तरफ ये रोटेट हो गया, फिर इसको रिलीज कर देंगे। Payload release.